मई से पहले तक गवाहों के बयान दर्ज कराने होंगे गुजरात सरकार को। गुजरात सरकार ने गवाहों के बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट से और वक्त मांगा था, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई मई के पहले हफ्ते में होगी। इधर प्रदेश में यौन शोषण के मामले में आसाराम को आपको बता दें कि पहले इससे ही झटका लग चुका है। पहले ही आसाराम की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।